तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीस पांडा के बारे में बताना चाहूँगा। यह हमारा एक छोटा सा अभी स्टार्टअप है और इसमें हिप हॉप से रिलेटेड बहुत सारे गारमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारी एसेसरीज आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत ज़्यादा क्रेजी स्टफ हम इस पर डालने वाले हैं। इस पर जितने भी प्रिंट्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे क्योंकि वो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, वो हमारे कस्टम प्रिंट्स होंगे। इस पर जो भी गारमेंट्स आएंगे वो भी कस्टमाइज होंगे, फुली कस्टमाइज होंगे, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो गाइस, अगर ये कूल से दिखने वाले स्वेटशर्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और 20% डिस्काउंट का कोड भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर मैंने एक टॉप पे एक एक्सपोजर लेयर क्रिएट करी, उसको फिर मैंने कंट्रोल आई से इन्वर्ट करा ताकि ब्लैक से फिल हो जाए। अगर वो वाइट से फिल है तो ब्लैक से फिल हो जाएगी, अगर वो ब्लैक से फिल है तो वाइट से फिल हो जाएगी। मुझे इस केस में ब्लैक से फिल करना था ताकि पूरे ओवरऑल आर्टवर्क पे ना आए। फिर मैं मास्क करके जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया पे मुझे लाइट चाहिए तो मैं उस एरिया पे लाइट डाल दूँ। फिर उसके बाद मैंने ब्रश टूल से यूज़ करके जिस जिस एरिया पे मेरे को लाइट चाहिए थी मैंने उस एरिया पे लाइट ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा हाइलाइट्स ऐड हो जाए। मैं इसको जैसे मैंने पहले बताया, ज़रूरी नहीं है आपको बिल्कुल ही रियलिस्टिक जाना पड़े हर बार, बस अपने आर्टवर्क को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि आर्टवर्क में थोड़ी सी डेप्थ आ जाए। तो जिस जिस एरिया में मुझे लगा कि लाइट पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ है तो मैंने उस एरिया में हाईलाइट ऐड करे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था डार्कन होना जरूरी है उस जगह पे मैंने इसको डार्क भी किया है। सेम मेथड के साथ जहाँ पे मैंने एक्सपोजर बढ़ाया था हाइलाइट्स के लिए, वहाँ पे उसी सेम मेथड के साथ मैंने एक्सपोजर को कम करा डार्क की तरफ लेके ताकि मैं उसको शेडोज बना पाऊँ। हाइलाइट्स ऐड करने के बाद मैंने हेड वाले पार्ट पे थोड़ा सा ग्लो डाला। एक्चुअली मैं वहाँ पे हेलो बनाना चाह रहा था, मतलब थोड़ा सा गॉडली प्रेजेंस के लिए मैं वहाँ पे हेलो बनाना चाह रहा था, बट मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं तो मैंने ऐसे ग्लो टाइप का सर के ऊपर एक ग्लो बना दिया। जैसे ही मैंने बाकी जगहों पे हाइलाइट्स ऐड करी है वैसे ही मैंने स्की मास्क के ऊपर भी हाइलाइट ऐड करी है। फिर मास्क के ऊपर हाइलाइट ऐड करने के बाद मैंने आईज़ के अंदर भी थोड़ी सी लाइट या आप शाइन बोल सकते हैं वो थोड़ा सा ऐड करा है, थोड़ा इनह्यूमन लगे ताकि ह्यूमन ना लगे और थोड़ा सा यू नो पब्लिक कनेक्ट कर पाए उस चीज़ से। और क्योंकि आईज़ एक ऐसी चीज़ है फोटोग्राफ में, कभी भी जो फ़ोटो शूट करते हैं उसमें आईज़ फोकस होना बहुत ज़रूरी है, उसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है फ़ोटो। मेजॉरिटी लोग मैनिपुलेट करते हुए पिक्चर को एक चीज़ की गलती कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि वो कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और बाकी जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लर होते हैं, तो वो उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पिक्चर बहुत ज़्यादा शार्प है जो आप एलिमेंट यूज़ करें उसको भी शार्प करिए, अदरवाइज़ उस पिक्चर को चेंज कर दो, वैसा ही ढूंढिए उतना ही शार्पनेस से रिलेटेड ढूंढिए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, इससे बहुत ज़्यादा ऑफ लगता है वो मैनिपुलेशन, बिल्कुल ऑफ लगता है वो, ऐसा लगता है अलग से ऊपर रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हेल का थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट देने के लिए मैंने थोड़े से और फायर एलिमेंट यूज़ करे हैं, फायर ब्लूम्स यूज़ करी है। जब भी आप फायर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ ऐड करो तो वहाँ पे हमेशा लाइट ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि फायर कभी डल नहीं होती, तो फायर में ग्लो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमेशा लाइट ज़्यादा रखना। उसके बाद थोड़ी सी हेल की और ज़्यादा फील देने के लिए ये मैंने तंदूरी वाले हाथ यूज़ करें, ये तंदूर में जले हुए हाथ हैं, इसको मैंने यूज़ किया ताकि ऐसा लगे हेल में से कुछ हाथ आ रखे, मतलब जो कुछ लोगों को सज़ा मिल रही है ना जैसे हेल में, तो ये उसी का सिंबल है। तो ऐसे तंदूरी से हैंड मैंने यूज़ करे हैं इस इमेज में प्रॉपर हेल वाला फील देने के लिए। और थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने इसी हाथ वाली इमेज को कॉपी करके, मतलब दोबारा से डुप्लीकेट करके मैंने थोड़ा सा छोटा करा है ताकि वो ऐसा लगे वो दूर है, और उसमें मैंने ब्लर ऐड कर दिया थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए। उसके बाद ये मैंने पिजन्स ऐड करे, आप जानते ही हैं पिजन किस चीज़ का सिंबल होते हैं, तो ये पीस का सिंबल है, ये पीस के लिए, और उसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड किया थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ताकि ऐसा लगे कि सीधा स्वर्ग से आ रहे हो, तो थोड़ा सा ऐड एलिमेंट ऐड करा। ये ग्लो का इफेक्ट अचीव करना बहुत ही सिंपल है, आप एफएक्स पैनल में जाके जो उसमें आउटर ग्लो है वो यूज़ कर सकते हैं तो सेम इफेक्ट आ जाएगा, बाकी आप उसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है। उसके बाद ये मैंने ऐसे फटे हुए पेपर का ओवरले यूज़ किया है। अगर आपको ऐसा फटा हुआ पेपर गूगल पे अगर नहीं मिलता है, अगर ऐसा ओवरले नहीं मिलता है, तो आप सिंपली एक पेपर को फाड़ के उसको ब्लैक शीट पर रख के उसको कैप्चर कर लीजिए अपने फ़ोन से, तो उसको भी आप एज अ टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हिसाब की इमेज आपको गूगल पे ना मिले। और हाँ, जो लोग ये पूछ रहे हैं ये फॉन्ट कौन सा है, ये फॉन्ट नहीं है, ये मैंने हाथ से ही बनाया है, पेन टैबलेट की हेल्प से ये मैंने हाथ से ही बनाया है, इसमें किसी
फॉन्ट का यूज नहीं हुआ, ये सारा हाथ से बना हुआ। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। तो ये कम्प्लीट है, इस आर्टवर्क की जो वीडियो है ये कम्प्लीट होते हैं यहाँ पे। ये आर्टवर्क बस एक अभी झलक थी। तो अगर आप लोगों को ये वाला आर्टवर्क अगर पसंद आया ना बहुत, तो अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आने वाली है आगे, उसके लिए आप वेट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो। तो अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो भी शेयर कर देना गाइज, जिसको ये आर्ट के बारे में सीखना है।